वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, जिनमें से हम अब पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत सिर्फ दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 23 क्या है? आर्टिकल 23 बिल्कुल सिंपल सा है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। देखिए इसमें क्या है, ये जो आर्टिकल 23 है ये व्यक्ति और राज्य दोनों के खिलाफ सुरक्षा उपलब्ध कराता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, उससे बेगार की प्रथा फॉलो नहीं कराई जा सकती, बलात्श्रम नहीं कराया जा सकता, ना राज्य करा सकता है ना ही कोई दूसरा व्यक्ति करा सकता है। अब देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है, बेगार का निषेध, फिर मानव तस्करी का निषेध और फिर बलात्श्रम का निषेध। ये जो तीनों पॉइंट है आर्टिकल 23 के तहत कवर हो जाते हैं। अब एक एक करके समझते हैं मानव दुर्व्यापार क्या होता है। पुरुष महिला एवं बच्चों को वस्तु के समान खरीद बिक्री, मतलब किसी भी पुरुष की, किसी भी महिला की या फिर किसी भी बच्चे की वस्तु के समान खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, ठीक है। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसके अंतर्गत वेश्यावृत्ति भी शामिल है, ठीक है। देवदासी या दास अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 संसद ने इसके लिए पास किया था। कानून बनाने का अधिकार होता है संसद को, ठीक है। फिर बेगार क्या हो गया कि किसी व्यक्ति से काम कराना लेकिन उसको उसका मेहनताना, मतलब उसको उसकी मजदूरी, उसको पैसे नहीं देने, फ्री में काम कराना, यह होता है बेगार। तो जो आर्टिकल 23 है वो निषेध करता है कि किसी भी व्यक्ति से आप बेगार नहीं करा सकते, ना तो राज्य करा सकता है और ना ही कोई पर्सनल व्यक्ति करा सकता है, ठीक है। फिर है बलात्श्रम। बलात्श्रम क्या है, किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से वो कार्य नहीं ले सकता अगर वो काम करना नहीं चाहता, या फिर अगर न्यूनतम मजदूरी से कम में कार्य करना भी इसके अंतर्गत ही शामिल है। कि मान लीजिए न्यूनतम मजदूरी सरकार ने तय की है एग्जाम्पल के तौर पे 400, और कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ के उससे कार्य कराता है और उससे कहता है कि मैं बेगार नहीं करा रहा लेकिन मैं तेरे को 200 रुपए तो दे रहा हूं, तो यहां पे क्या कानून है कि जब न्यूनतम मजदूरी 400 है तो अगर तुम 200 दोगे तो भी तुम दोषी पाए जाओगे। यहां पे अपवाद क्या है, देखिए अब मतलब ये हमने नियम कानून पढ़ लिए, आर्टिकल 23 पढ़ लिए कि इसमें ऐसा करना होता है, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद भी है। राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा जैसे कि सैन्य सेवा या फिर सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद दिया गया है कि जो राज्य है, ठीक है, देखिए कोई भी व्यक्ति किसी से बेगार नहीं करा सकता, मानव दुर्व्यापार नहीं करा सकता, बलात्श्रम नहीं करा सकते, लेकिन यहाँ पे अपवाद क्या है कि जो राज्य है उसके पास अधिकार है कि अगर उसको आवश्यकता पड़े जैसे युद्ध के समय या फिर कोई ऐसी आपदा आ जाए तो वो हमारे भारत देश में यानी हमारी भारत सरकार सैन्य सेवा को लागू कर सकती है कि सभी व्यक्तियों को सेना में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ कानून सरकार बना सकती है। लेकिन यहाँ पे भी एक वाद है, अपवाद क्या है, लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। मतलब कि ऐसी कोई आपदा आ गई कि राज्य को, मतलब भारत देश को अपने सारे नागरिकों के लिए सैन्य सेवा, सेना की सेवा या सेना में जाना अनिवार्य करना पड़ा तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे धर्म जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव करने की अनुमति राज्य को भी नहीं है। तो ये है हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 23।